शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवसेना शिव वाहतुक सेना के उप जिला प्रमुख गौरव गुप्ता ने बताया कि आए दिन नागपुर के डंपिंग यार्ड में आग लगती रहती है। 21 मई की शाम 4 बजे हल्की आग लगी थी, परंतु प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये आग बेकाबू हो गई है। डंपिंग से सटे सूरजनगर, संघर्ष नगर, पवन शक्ति नगर, अंतोजी नगर, चांदमारी आदि कई घनी बस्तियां हैं, जिसे लोगों के जानमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। मनपा प्रशासन द्वारा व बीजेपी के नगर सेवक, सांसद, विधायकों की तरफ किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डंपिंग यार्ड को स्थानांतरित करने के लिए 25 मई 2020 सोमवार को शिवसेना के पूर्व नागपुर विभाग योगेश नायखोर, गौरव गुप्ता, रूपेश बागड़े, इनके नेतृत्व में मनपा का घेराव किया गया। इसके पहले भी 2 साल पहले यहाँ पे इसी तरीके से आग लगी थी। उस समय हम सभी पदाधिकारी पूर्व नागपुर के जो आसपास के वार्डों में रहते हैं वो आए थे यहाँ पे। उसके इसमें अपने महानगर पालिका में स्वास्थ्य अधिकारी भी आए थे, अपना चापले जी आए थे यहाँ पे उस समय। तो उन्होंने कहा था कि हम कल बैठक लगाते हैं, दूसरे दिन मीटिंग लगाए हमने और वहाँ पे सब लोग, हम यहाँ के जो परिचित जो सभी लोग यहाँ के गए थे, वहाँ पे कुछ 20-25 लोग वहाँ गए, महापौर साहिबा थी वहाँ पे उस समय। तब उन्होंने कोई बात हमारी सुन के नहीं ली। उस समय आमदार जी भी वहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कचरा डंपिंग हटेगा नहीं, चलो हटेगा नहीं, पर यहाँ पे जो लगने वाली सुविधा है, जो डंपिंग यार्ड के लिए जो अगर आग लगी, कभी लगी यहाँ पे, तो महानगर पालिका बोलती है कि अगर 3 मंजिली बिल्डिंग बनाओ तो वहाँ पे पाइपलाइन उनकी जो फायर की प्रोसेस है वो खुद ही करना पड़ेगा, पर यहाँ आग लगने के बाद आजू बाजू का परिसर जो जल उठेगा उसके लिए इन्होंने तो कहीं पे भी यहाँ पे पानी की सुविधा रखी नहीं है। वो एकमात्र एक टैंकर यहाँ पे रहता है, एक टैंकर कहाँ लगने वाला है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से 2 से 3 घंटा हमारा हो गया है, तो यहाँ पे हम कम से कम 10 से 12 गाड़ी अभी तक हो चुकी है। 10 से 12 गाड़ी होने के बावजूद भी आग काबू में नहीं है इनके, तो एक टैंकर क्या करने वाला है। यहाँ कल शाम में जैसे ही थोड़ी चिंगारी लगी थी, चिंगारी लगने के वक्त ही हमारे पदाधिकारी ने यहाँ पे आगाह कर दिया था कि यहाँ पे आग लग चुकी है, तो इन्होंने फिर भी उसकी सुध नहीं ली गई जब तक पूरी आग नहीं लगती है। इनका एक ही मकसद है, हमारा एक ही मुद्दा है कि यहाँ पे जो कचरा डंपिंग, जो हमेशा आग लगने का जो यह प्रकोप होते रहता है, हर साल होते रहता है, कि यहाँ कुछ ना खत्म हो सके, खत्म होना चाहिए। हम महानगर पालिका अपने आमदार जी को भी बार बार बोल चुके हैं कि इस संदर्भ में कुछ किया जाए, पर वो कोई भी हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। यहाँ हमको मरने के लिए यहाँ पूर्व नागपुर में छोड़ दिया है। यहाँ के आमदार कृष्णा जी खोपड़े है, यहाँ के नगर सेवक अभी तक यहाँ पे विजिट नहीं दिए, आमदार जी कभी सुध नहीं लेते यहाँ पे कि यहाँ वाटोड़ा परिसर में इतनी ये बारिश के वक्त में इतनी भयंकर बदबू रहती है कि आजू बाजू में यहाँ से जा नहीं सकते, बारीक बारीक कीड़े शरीर में घुसते हैं, या कोरोना, यहाँ कोरोना से भी भयंकर स्थिति यहाँ पे वाटोड़ा परिसर में हो चुकी है, पर प्रशासन सुध नहीं लेता है। बारंबार हमको आंदोलन करना पड़ता है, बारंबार हमको डेपुटेशन देना पड़ता है, तो कितनी बार डेपुटेशन दिया जाए। अभी हम यहाँ पे कुछ दिनों बाद में धरना आंदोलन भी करना चाहते हैं। आपका नाम